दोस्तों अज मैं तुहानू सुनाउण जा रहा चरण गिल जी द्वारा अनुवादित एक जापानी लोक कथा दो डड्डूआं दी यात्रा। बहुत समा पहला दी गल है, जापान विच दो डड्डू रहिंदे सन। उन्हां विचों एक डड्डू ओकासा दे कोल इक टोए विच रहिंदा सी ते दूजा डड्डू क्योटो कोलों लंघदी एक नदी दा निवासी सी। एक दिन उन्हां दोनां डड्डूआं दे दिमाग विच इकट्ठे ही एक विचार आया। उन्हां ने सोचा, इस जगह ते रहिंदा सानू बड़ा चिर हो गया है, हुण सानू इत्थों निकल के बाहर दा संसार भी वेखना चाहीदा है। ये संयोग ही सी कि क्योटो दे कोले रहण वाले डड्डू ने ओसाका जाण दा, जदों कि ओसाका विच रहण वाले डड्डू ने क्योटो जाण दा फैसला कीता। अगले ही दिन दोवां डड्डूआं ने अपनी यात्रा शुरू कर दित्ती। क्योटो अते ओसाका शहरां नू जोड़न वाला एक ही रास्ता सी। दोवां डड्डूआं ने उसे रास्ते अपनी मंजिल वाले चाले पा दित्ते। रास्ते विच इक थां ते दोवें डड्डू एक दूजे नू मिल गए। उन्होंने हाथ मिलाया ते फिर गल्लां करन लगे। ओसाका दे डड्डू ने क्योटो दे डड्डू नू पुछया, हाँ वी मित्रा किधर जा रहे हैं? क्योटो दे डड्डू ने जवाब दिता, मैं ओसाका चलिया। ये सुनते ही ओसाका दा डड्डू खुश होकर बोलिया, अच्छा मैं क्योटो वाले चलिया। दोवें डड्डू बड़े थक गए सी, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लईए, तो फिर नाल दी एक वड्डी चट्टान दी छां विच जा बैठे। उदो ओसाका वाला डड्डू बोलिया, यार किन्ना चंगा हुंदा जे साडा कार थोड़ा वड्डा हुंदा। क्योटो वाले डड्डू ने हैरानी नाल पुछया, हैं आकार वड्डा होण नाल की हो जांदा? ओसाका वाले डड्डू ने जवाब दिता, फिर आपां सौख नाल ही किसे पहाड़ उत्ते चढ़ के उन्हां शहरां नूं वेख लैंदे जिथे आपां चले आ। फिर सानू ये भी पता लग जाता कि वह शहर देखने दे लायक है भी हाँ या नहीं। ये सुनकर क्योटो का डड्डू बोलिया, लै ये कि वड्डी गल है, ये काम तो आप हुणे कर लैने। ओ किवें? ओसाका दे डड्डू ने हैरानी नाल पुछया। क्योटो दे डड्डू ने उन्हूं समझाया, ये काम तो बाला सौखा जे आपां नाल वाले पहाड़ उत्ते चढ़ के एक दूजे का सहारा लेंदे हुए आपके पिछले पैरों उत्ते खड़े हो जाइए ना, फिर सौखे ही उन्हां शहरां नूं वेख सकांगे जिथे आपां जाना चाहुंदे आ। ओसाका दा डड्डू क्योटो दी झलक वेखण लई इन्ना व्याकुल सी कि उह भज के नाल दे पहाड़ उत्ते चढ़न लगा। ये वेख के क्योटो दा डड्डू वी उहदे पिछे पिछे दौड़िया। उह दोवें टपूसियां मारदे मारदे पहाड़ दी टीसी उत्ते पहुँच गए। दोवें डड्डू आपदी लंबी यात्रा कारण बड़े थक चुके सी, पर उन्हां नूं इस गल दी खुशी भी सी कि उह उन्हां शहरां नूं वेख सकणगे जिन्हां नूं वेखण लई इन्नी लंबी यात्रा करके इत्थे आए ने। पहाड़ दी टीसी ते पहुंचण तों बाद ओसाका दे डड्डू ने बुड़क के अपने अगले पैरां नूं अपने मित्र दे मोढ़ां ते रख दिता। क्योटो दे डड्डू ने भी एवें कीता। हुण दोवें डड्डू अपने पिछले पैरां ते खड़े सी ते उन्हां दे अगले पैर एक दूजे दे मोढ़ां उत्ते सी। उन्हां ने एक दूजे नूं कस के फड़िया होया सी तां कि उह पहाड़ तों हेठां ना डिग पैण, पर उन्हां दोवां ने एक गल वल ध्यान ही नहीं कीता कि उन्होंने अपनी पिठ उन्हां शहरां वल कर रखी सी जिन्हां नूं उह वेखना चाहुंदे सी। हुण दोवें डड्डू गलत तरीके नाल खड़े सी। ओसाका वाला डड्डू ओसाका नूं ही वेखी जा रहा सी ते क्योटो वाला क्योटो नूं ही देखी जा रहा सी। इस तरह दोवें ही डड्डू अपने प्यारे शहरां नूं वेख ही नहीं सके। फिर ओसाका दा डड्डू बोलिया, ओहो यार मैनूं तां लगदा इत्थे आ के अपना टाइम ही खराब कीता, क्योटो तां जमा ही ओसाका वर्गा लगदा है। क्योटो वाले डड्डू नूं भी यही लग रहा सी कि ओसाका तां क्योटो वर्गा ही है। फिर दोवें डड्डू अपने अपने घरां नूं परत गए। दोस्तों तुसीं सुन रहे सी चरण गिल जी द्वारा अनुवादित एक जापानी लोक कथा दो डड्डूआं दी यात्रा। इस कहानी नूं तुसीं मेरी यानी जगसीर दी आवाज़ विच सुन रहे सी।